हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टाटा नेक्सोन XM S वेरिएंट के बारे में। ये यहाँ पर इसका पेट्रोल वेरिएंट है, तो इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में बात करेंगे कार के बारे में, एक्सटीरियर से, इंटीरियर से, और बात करेंगे साथ ही में गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह के बारे में भी। तो एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर गाड़ी की हेडलाइट्स देख सकते हैं कुछ इस तरह की। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है DRL, जो कि आपके LED है, पर हेडलाइट्स के अंदर जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर आपको हेलोजन मिलता है। नीचे की तरफ कोई भी फोग लैंप इसके अंदर नहीं आता है पर यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जो काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन के अंदर दिया गया है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फ्रंट पे यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में। टाटा का यहाँ पर लोगो मिल जाएगा आपको फ्रंट के अंदर, और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह की गाड़ी की देखने पर मिलती है। बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 BHP की पावर प्रोड्यूस कर देता है, 170 Nm का यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इंजन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करा गया है इसके अंदर। ये इस गाड़ी का टर्बो है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैटरी मिलती है। आई थिंक बैटरी जो इसके अंदर आती है वो यहाँ पर एमरोन की बैटरी दी गई है कंपनी के थ्रू, और इंजन कुछ इस तरीके का ओवरऑल मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर इंसुलेशन भी मिल जाती है बोनट के नीचे। टाटा नेक्सोन जो है वो आपकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, बाकी कुछ इस तरीके की लुक्स यहाँ पर आती है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन आपकी ये हुई। अब चलते गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ, तो ये हुआ इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो आपके 16 इंच के यहाँ पर स्टील रिम दिए गए विद व्हील कैप। यहाँ पर 190/60 R16 के यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिल जाती है, कुछ इस तरीके के यहाँ पर इसके टायर मिलते हैं। यहाँ पर आपको साइड में क्लाइडिंग मिल जाएगी, जो इसके साइड के ORM है वो कुछ इस तरीके ब्लैक कलर के दिए गए, जिन पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, पर ये मैट फिनिशिंग में है। जो ए पिलर है वो आपका बिल्कुल मैट फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। रूफ में आपको यहाँ पर रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि आपकी वर्किंग है, और यहाँ पर आपको सनरूफ भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जो साइड के डोर हैंडल्स है वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, ब्लैक कलर के मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डोर प्रोटेक्टर मिल जाएगा ब्लैक कलर के अंदर, और फ्रंट के अंदर गाड़ी के अंदर डिस्क ब्रेक्स आते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स आता है। बाकी रियर की तरफ चले तो रियर से गाड़ी की लुक्स कुछ इस तरीके की देखने पर लगती है। जो टेल लाइट्स है वो आपको फुली LED दी गई है कुछ इस तरीके से, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने पर। रियर के अंदर बैक ग्लास के अंदर कोई भी डिफोकर नहीं है, यहाँ पर हाई स्टोमाउंट लाइट आ जाएगी, यहाँ पर एंटीना आ जाएगा गाड़ी का, और बाकी कोई भी बैजिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है वेरिएंट की। नीचे की तरफ नेक्सोन की बैजिंग आपको जरूर मिल जाती है, और XM S वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी कैमरा भी यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ से अपनी गाड़ी का बूट भी अनलॉक कर सकते हैं। रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिए गए, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी का एक्सटीरियर फीचर। आप चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ। ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर कुछ इस तरीके का मिलता है, यहाँ पर चारों पावर विंडो मिलेगी, ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन मिल जाएगी। इसका डोर ओपनर ब्लैक कलर का, यहाँ पर ट्विटर का स्पेस, यहाँ से अपने आप साइड के जो ORM है वो ऑटो एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, ऑटो फोल्ड। नीचे की तरफ बोटल होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, अम्ब्रेला होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, और स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको डोर के ऊपर रिफ्लेक्टर एक दिया गया है। बाकी केबिन इस गाड़ी का देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलता है, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और फैब्रिक सीटें यहाँ पर मिलती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, और जैसे कि ये XM S वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आप इस गाड़ी की की लगा सकते हैं इसके अंदर। XM S के अंदर पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर नहीं आता है, तो यहाँ पर की लगाकर अपनी गाड़ी को आप ऑन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको मीटर देखने के लिए मिल जाता है, डिजिटल मीटर यहाँ पर फुली आता है बेस वेरिएंट से ही, और यहाँ पर आपको ग्लोसी पार्ट मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में आपके म्यूजिक सिस्टम के सभी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पर राइट साइड पे कोई भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं आता गाड़ी के अंदर। बाकी ये इस गाड़ी का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि आपका 2D वाला है। नीचे की तरफ आपको इसके यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा, मैनुअल AC गाड़ी के अंदर यहाँ पर आता है, और यहीं से अपनी गाड़ी का बूट भी ओपन कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, और यहाँ पर आपको इसके मोड्स मिल जाता है इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। ये इस गाड़ी का हैंड ब्रेक है, मैनुअल हैंड ब्रेक आता है, और आर्म रेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है ग्लास होल्डर वगैरह रखने के लिए, और यहाँ से आप गाड़ी का अपना ग्लव बॉक्स ओपन कर सकते हो, और काफ़ी बड़े साइज का इसके अंदर ग्लव बॉक्स मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा डीप आता है। टाटा की आप चाहे एल्ट्रोज ले लो या फिर नेक्सोन ले लो, काफ़ी बड़े साइज का ग्लव बॉक्स है। और जो इसका IRVM है वो आपको ना ही ऑटो डिम मैनुअली मिलता है ना ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है वाइट कलर की। यहाँ से गाड़ी का आप सनरूफ ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको 10 लाख के अंदर अंदर एक गाड़ी लेनी है जिसके अंदर सनरूफ हो, तो आपके पास नेक्सोन के पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कोई भी टेडल पेडल इसके अंदर नहीं मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट की तरफ, चलते हैं रियर डोर की तरफ।
और यहाँ पर ये है इस गाड़ी का रियर डोर। यहाँ पर पावर विंडो को स्विच मिल जाएगा, डोर ओपनर मिल जाएगा, नीचे तरफ पोर्ट होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा। और ये है इस गाड़ी का रियर केबिन कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं दोनों, और कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है। बाकी बैठ के मैं आपको बताऊं तो फैब्रिक सीटें हैं इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा मतलब कंफर्टेबल सीटें इसके अंदर आती है। रियर से यहाँ पर गाड़ी का केबिन देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगता है इंटीरियर्स। एंड यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। रियर की तरफ कोई भी यहाँ पर आपको एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का बूट स्पेस। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी का बूट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, और काफ़ी अच्छे साइज़ का बूट स्पेस आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर ऑफर करा गया है। पर इस वेरिएंट के अंदर कोई भी आपको पालसेट ट्रे वगैरह नहीं मिलती, पर यहाँ पर बूट लैंप आपको दिया गया है। जो सीटें हैं वो आपको फुली फोल्डेबल मिलती है, 60 फोल्डेबल यहाँ पर नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पर इस गाड़ी का स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके भी साइज़ की बात मैं आप करूं तो यहाँ पर 195/60R16 की यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिल जाती है। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको इसके अंदर यहाँ पर इंसुलेशन दी गई है। तो यही थे गाड़ी के सभी फीचर्स इंटीरियर से एक्सटीरियर से, जिसके अंदर हमने बात करी गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के। प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो प्राइसिंग आपको एक्सशोरूम कोस्ट करता है वो 9,59,000 कोस्ट करता है। ऑन रोड कोस्टिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको लगभग 10,75,000 कोस्ट करती है ऑन रोड गाज़ियाबाद के अंदर। बाकी कोई इसमें थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होगा तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जो एग्जैक्ट प्राइस होगा डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो